अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल पुलाव दही के साथ, और ये बहुत ही मज़े की और बिल्कुल एक नई यूनिक रेसिपी है। इसके लिए हमें चाहिए अंडों की जर्दी, दो अंडों की जर्दी चाहिए, हाफ स्पून हमें नमक चाहिए और एक टीस्पून फुल मोटी मोटी कुटी हुई काली मिर्च हमें चाहिए। इसको अच्छी तरह फेंट लेते हैं। इसके बाद हमें चाहिए बंद गोभी कटी हुई, टमाटर, धनिया और हरी मिर्च। एक कप चावल मैंने बॉईल करके रख ली है, ये सादा तरीके से जैसे हम चावल बॉईल करते हैं वैसे किया। एक छोटा कप दही का, और ये सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई। और इसके साथ हमें चाहिए एक सर्विंग स्पून घी। खुले बर्तन में डाल लें, सॉस पैन ले लें खुला सा, उसमें लें, खुले मुंह वाले बर्तन में बनाइएगा इसको तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। 3 चम्मच इसमें मटर को फ्राई करेंगे। ये मटर फ्रीज़ किए हुए थे इसलिए ज़रा देखें इन्हें फुलझड़ियाँ सी छूटने लगी हैं, इनमें मज़ा आ रहा है। अच्छा जी, ये इसको फ्राई करेंगे, बस हल्का सा फ्राई करना है। ये तेज़ आग पे हो रहा है। हाफ टमाटर जो हमने काट के रखा था वो भी इसमें शामिल कर दिया है। तेज़ी से इसका चम्मच चलाना है ताकि ये ज़्यादा पकना और पानी नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें हम 2 चम्मच कटी हुई जो है बंद गोभी डालेंगे। इसमें ये लंबी लंबी कटी हुई बंद गोभी है स्लाइसिस में, 2 टेबलस्पून है, ये इसमें डाल देते हैं। इसको भी तेज़ी से हिलाएं, बंद गोभी को, कैबेज को, पानी नहीं छोड़ना चाहिए, तेज़ी से फ्राई करें। फ्लेम जो है, आँच जो है उस पर फैला लें अच्छी तरह, फिर इसको मिक्स कर लें। ये देखें कितने खूबसूरत कलरफुल ये बने। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद। मीडियम हाई पे रखें ताकि ये तेज़ी से सारा काम होता है। बहुत ही आसान और सादी सी रेसिपी है, यूँ समझें आपने किचन में जाना है और वापस आ जाना है, लेकिन ये बड़े ही मज़े की। जर्दी में जो हमने काली मिर्च और नमक के साथ फेंट के रखी थी वो इसमें डाल लेते हैं, और इसको अच्छी तरह तेज़ी से चलाते हैं ताकि ये एक ही जगह पे जुड़ने ना पाए। सारी सब्ज़ी जो है इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें इस तरह इसको करें, ये बहुत तेज़ी से बनेंगे। अब जो एक छोटा कप दही का है वो इसमें डाल दें। ये दही फेंटा हुआ नहीं है, ठीक है, इसको बीट नहीं किया गया, ये वैसे ही आपने डालना है। थोड़ा मोटा मोटा सा बनेंगी, फुटकियाँ इसकी बनेंगी और ये मज़े की बनेगी। दही का जायका बहुत मज़े का, और ये थोड़ा खट्टा सा दही है, मीठा दही नहीं है। इसको हम पकने देते हैं बस 3 से 4 मिनट तक, और इसके बाद इसको भी हिलाएँगे तेज़ी से। और फिर इसमें हम उबले हुए जो चावल हैं, सादे चावल हैं बिल्कुल सादे तरीके से बने हुए, थोड़ा सा नमक डाल के 1 कप चावल मैंने बॉईल किए थे वो इस पे डाल रही हूँ। और अच्छी तरह इसको प्लेन करने के बाद इसको देखें, ये इस तरह प्लेन करें, स्पून के नीचे वाले हिस्से से इसको आराम से कर दें। अब जनाब इस पे हम डालेंगे सोया सॉस, रेड चिली और सिरका। 2 चम्मच जो है, 2 टेबल स्पून इसमें मैं रेड चिली सॉस डाल रही हूँ, इसके ऊपर फैला रहे हैं। इसके बाद इसके ऊपर सिरका, सफ़ेद सिरका जो होता है आसानी से बाज़ार में मिल जाता है, 2 चम्मच वो डालेंगे सिरका। और उसके बाद इसमें खट्टा खट्टा दही, थोड़ा सा खट्टा है वो, बहुत खट्टा खट्टा ऐसा मज़ा देगा, यूँ समझिए ऐसे लग रहा है जैसे आपने रायता वाले चावल बनाए हैं। सोया सॉस 2 चम्मच। अब हम इसको कवर कर देंगे आपके किचन में जो आपने दम के लिए रखा हुआ है टॉवल या कोई भी कपड़ा, वो इसके साथ ढक्कन को कवर करें और इसको कवर करके रख दें लो फ्लेम पे, बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे इसको रख दें। और 15 मिनट के लिए इसको छेड़ना नहीं है। 15 मिनट बाद दम को थोड़ा सा हटाइएगा, चम्मच के साथ चेक करें, बहुत ही अच्छी शेप हो जाएगी। इसको डिश ओवर कर लिया मैंने, उल्टा करके उल्टा दिया था प्लेट ऊपर रख के, ये बहुत अच्छा बने। अब हम इसकी गार्निश करेंगे अपनी पसंद की, जो आप सैलेड खाना पसंद करेंगे। बाद इसको अच्छी तरह हला दें, मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद ये देखिए कितने खूबसूरत बन गया है। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नई एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।